बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है इज़राइल और हमास की जंग से जुड़ी हुई। जंग में अब तक 50 पत्रकारों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिनमें 45 फिलिस्तीनी पत्रकार बताए जा रहे हैं, जबकि 4 इज़राइल और 1 लेबनान का पत्रकार भी जंग में मरने वालों की लिस्ट में शामिल है। इधर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आईडीएफ के जवान हमास के लड़ाकों से सीधी टक्कर लेते नजर आ रहे हैं। और इस दौरान आईडीएफ ने हमास के जैतून बटालियन के सेंट्रल कमांडर के दफ्तर को तबाह करने का दावा किया। इजराइल का दावा है कि आईडीएफ के साथ मुठभेड़ में हमास के कई लड़ाके मारे गए हैं। वीडियो में इजरायली सेना के कई टैंक भी नजर आ रहे हैं। दरअसल आईडीएफ के इस ग्राउंड ऑपरेशन में नेवी, एयरफोर्स और थल सेना मिलकर काम कर रही है। आईडीएफ के जवान टैंकों के साथ गाजा में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि एयरफोर्स की टीम हेरॉन ड्रोन से उनकी ओर बढ़ रहे खतरों की निगरानी करती है और जरूरत पड़ने पर एयर स्ट्राइक कर खतरों को खत्म कर देती है। इसराइल हिजबुल्ला पर और हिजबुल्ला इसराइल पर एक के बाद एक लगातार हमले कर रहा है। इन दोनों के बीच हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच हिजबुल्ला ने बड़ा दावा किया है कि उसने इसराइल के सैन्य ठिकानों पर बुरकान मिसाइल से हमला कर दिया है, और इस हमले में इसराइल को भारी नुकसान होने का भी हिजबुल्ला ने दावा किया है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, अभी अभी हिजबुल्ला ने इसराइल के ठिकाने को निशाना बनाया है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलमुतेला साइट की, जो कि इसराइल का ठिकाना है। सफ़ेद रंग का धुएं का गुब्बार आपको नज़र आएगा, आपको हल्का धुएं का गुब्बार इसलिए नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कोहरा है, मौसम बदल चुका है। लेकिन अभी अभी एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज़ आई है। देखिए, हिजबुल्ला लगातार हमले बहुत तेज़ कर रहा है इसराइल के ठिकानों पर, लगातार अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हमने देखा कि बुरकान मिसाइल का भी इस्तेमाल हिजबुल्ला की तरफ से किया गया, और अब देखिए मुतेला साइट पर हमला किया गया है। अभी अभी बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है वो निशाना बना रहा है इसराइल के ठिकानों को हिजबुल्ला। देखिए, हिजबुल्ला की तरफ से लगातार पिछले एक हफ्ते से हमलों में तेज़ी आई, और हिजबुल्ला की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है वीडियोज़ जारी करके, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि और हमले तेज़ करेगा हिजबुल्ला, और ये पूरा जो जंग का मैदान है इसराइल लेबनान बॉर्डर बहुत ज़्यादा सक्रिय है। लगातार यहाँ पर जब हमारी मौजूदगी है तो ड्रोन और फाइटर जेट की आवाज़ रह रहकर आती है, और धमाकों की आवाज़ आती है। और अभी अभी बिल्कुल यहाँ पर हिजबुल्ला ने इसराइल के ठिकाने पर हमला किया। ये युद्ध यहाँ से और बढ़ेगा, करीब 45 दिन होने को हैं इस पूरे जंग को, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि हिजबुल्ला और इसराइल के बीच युद्ध और भीषण होता जा रहा है।